नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये कहानी सैफ अली खान की सास और अमृता सिंह की माँ रुखसाना सुल्ताना की है। भारतीय लोकतंत्र में 25 जून को एक काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। इसी दिन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। आपको बता दें कि देश में साल 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी थी और इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसने देश में नफरत और विद्रोह पैदा किया था। इसी दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए नसबंदी कैंप चलाया था और इस नसबंदी कैंप की जिम्मेदारी सौंपी गई थी समाज सेवी रुखसाना सुल्ताना को, जो कि इतिहास के पन्नों में इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल के नाम से जानी जाती है। समाज सेवी और बेइंतहा खूबसूरत रुखसाना सुल्ताना को संजय गांधी का काफी करीबी माना जाता था, इसलिए ही उन्हें गांधी के नसबंदी कैंप की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाए गए इस कैंपेन ने विकराल और खौफनाक रूप धारण कर लिया था, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे केस सामने आए जिसमें लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई, जिससे लोगों के बीच खासकर के मुस्लिम समुदाय के अंदर एक खौफ बैठ गया। हालांकि संजय गांधी का मानना था कि देश में परिवार नियोजन के लिए नसबंदी कराना जरूरी है और इसे जागरूकता अभियान की तरह ही चलाना चाहिए, लेकिन उन दिनों जिस तरह नसबंदी की जा रही थी उससे पुरानी दिल्ली में जागरूकता नहीं बल्कि लोगों के बीच डर फैल रहा था। 60 साल के बुजुर्गों से लेकर 18 साल के जवानों तक की नसबंदी कर दी गई। नए नवेले शादीशुदा लोगों की भी नसबंदी कर दी गई, जिसकी वजह से लोग दहशत के साए में जीने लगे। और इसलिए जब इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल रुखसाना सुल्ताना पुरानी दिल्ली की किसी बस्ती में कदम रखती तो डर के मारे लोग गायब हो जाते थे। उस वक्त के समाचार पत्रों में रुखसाना सुल्ताना के लिए काफी कुछ लिखा गया। हालांकि आपातकाल के समाप्त होते ही रुखसाना सुल्ताना मीडिया और राजनीति के प्लेटफॉर्म से गायब हो गई और इसके कुछ वक्त बाद पता लगा कि उन्होंने आर्मी ऑफिसर शविंदर सिंह से शादी कर ली है, जो कि मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के भतीजे थे। शादी के बाद वो गांधी परिवार के साथ भी कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन साल 1983 में उनकी एक बार फिर से चर्चा हुई, तब जब फिल्म बेताब के जरिए रुपहले पर्दे पर अभिनेत्री अमृता सिंह ने कदम रखा। अमृता सिंह 80-90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रहीं और अमृता मुस्लिम माँ और सिख पिता की संतान है। साल 1991 में उन्होंने अपने से 10 साल छोटे फिल्म स्टार सैफ अली खान से शादी की थी, जिसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया था। हालांकि साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया और इस शादी से अमृता को 2 बच्चे हैं, सारा और इब्राहिम। सारा भी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी हैं। साल 2017 में रिलीज हुई मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार, जो कि इमरजेंसी पर बनी थी, इस फिल्म में रुखसाना सुल्ताना का कैरेक्टर विस्तार से दिखाया गया था। पर्दे पर रुखसाना सुल्ताना का रोल अभिनेत्री रश्मि झा ने प्ले किया था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान रुखसाना सुल्ताना एक खौफनाक चेहरा थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।